क्लास टेंथ के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको ना हिंदी का पेपर समझाऊंगा। यहां से देख लीजिएगा, नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। आपको घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल संकोच मत करो। ये सेट ए और बी अपन ने पहले बता दिया है, सेट सी और डी भी देखेंगे, ई भी देखेंगे। ये सी तो अपना चल ही रहा है, एफ तक देखेंगे। 6 पेपर है अब की बार, आपका जो 5 फरवरी के दिन पेपर है उसमें टॉपर बनाने की जवाबदारी अपनी है, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं, करो कंप्लीट। इसके अलावा भी समय बचता तो पढ़ो अलग से, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूध का दूध और पानी का क्या अर्थ है, ठीक है, सही न्याय करना, साना साना हाथ जोड़ी किनकी रचना है? मधुकांक्रिया जी की। रीतिकाल की समय अवधि मानी गई है 1643 से 1843 तक। युग धारा की रचना है नागार्जुन। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति वहां कौन सा अलंकार है? तो पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार रहेगा। यानी कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास का उदाहरण है। कटाओ कटाओ जो है भारत का स्विट्जरलैंड माना जाता है, तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्विट्जरलैंड। जय शंकर प्रसाद की डिडेस कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। जय शंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता, आत्मकथ्य कविता हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है। कामयानी एक क्या है? कामयानी एक महाकाव्य है, महाकाव्य। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थीय शब्द कहलाते हैं। ये जाएगा अनेकार्थीय शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। मन्नू भंडारी के जो पिता है, रसोई को भटियार खाना कहते थे। क्या कहते थे? भटियार खाना। चलिए अगला है आपका यहां पर नाटक में। नाटक में क्या होते हैं? कई अंक होते हैं। एक अंक की जो रचना है वो एकांकी कहलाती है। यशपाल, यशपाल का जाएगा लखनवी अंदाज। उल्लू बनाने का जाएगा मूर्ख बनाना। हिरोशिमा अनुबम विस्फोट। तुलसीदास का जाएगा कवितावली। और काव्य की जो आत्मा है इसका जाएगा रस। ठीक है भैया, अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको ध्यान से समझिएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्म वाच्य है। मधुकांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? साना साना हाथ जोड़ी। क्या है? साना साना हाथ जोड़ी भैया, साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है भैया, श्री कृष्ण ने किसकी मर्यादा का पालन नहीं किया है? प्रेम की। श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो कौन, झांसी वाली रानी थी, इसमें कौन सा रस है? वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। चिंता मणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं और सत्य सत्य देखते हैं। सप्त ऋषि, सप्त ऋषि में कर्मधारय समास है, तो ये आपका यहां पर देखिए बिल्कुल गलत बात है। और भोलानाथ के पिताजी के साथ जानदार रहता था, ये बिल्कुल सत्य बात है आपकी। लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है, गलत बात है। कई सही की एक आधी पंक्ति कौन सी लाइन सत्य होती है? हजारों फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुंदर में, यह सत्य रहेगा।
चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, ये सत्य है और अंतिम भी सत्य रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका मैं आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ से बढ़िया से आप तो देखिए पेपर को बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। यहाँ से देखिएगा, भगत की पुत्र वधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी यशपाल। इंद्र मिश्र को का साहित्यिक बिंदु पर परिचय देना है आपको, अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ देख लीजिए, वाक्य प्रयोग है। ठीक है भैया, ये देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। यहाँ से देखिए रीतिकाल की प्रमुख दो विशेषताएं, जय शंकर प्रसाद अथवा सूरदास की काव्यगत विशेषताएं और आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है ऐसा अभी ने ऐसा क्यों कहा। फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है। फसल हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि का क्या कहना व्यक्त करना चाहता है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लेने लोगों को देने की बात कही है। यहाँ से देखिए महाकाव्य किसे कहते हैं, दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। रौद्र रस की परिभाषा देनी है, चौपाई छंद की परिभाषा, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है, नाटक एकांकी में अंतर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। आंखों देखा खेल पर अनुच्छेद लिखना है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 का हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 21 है। क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल, ठीक है, मध्य प्रदेश भोपाल को